गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 100 के नीचे आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 52 नए मरीज मिले हैं। खास बात यह है कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद से ज़िले में संक्रमितों का आंकड़ा 18,867 पहुंच गया है। इनमें 17,687 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 306 ही है। वहीं ज़िले में एक्टिव केस की संख्या 874 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जांच रोजाना 4,000 से 5,000 के बीच है। एंटीजन और RT-PCR की जांच में भी ज़्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं। यह बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जाँच लगातार की जा रही है। बृहस्पतिवार को मिले कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 26 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 13 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ, राजघाट, कोतवाली, रामगढ़ताल में 2-2, कैंट थाना क्षेत्र में 5 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 17 नए मरीज मिले हैं। इनमें बड़हलगंज, बांसगांव, खोराबार, पिपराइज, कौड़ीराम, खजनी, सहजनवा और गोला में 1-1, चरगावा में 7, भटहाट में 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 9 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।